नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। वैश्विक महामारी कोरोना का भारत में एक बार फिर से खौफ बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन मौसम में बदलाव के बीच एक बार फिर से कोरोना के नए मामले नए वेरियंट के साथ तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते नए मामलों को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से अलर्ट हो गई है। कोरोना के हालात और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पिछले 6 हफ्तों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पिछले 6 हफ्तों से लगातार जारी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए केस में तेजी दर्ज की गई है। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 1,134 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल से एक एक मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मंगलवार को देश में कोरोना के 699 नए मामले सामने आए थे, जबकि इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी। यानी कल के मुकाबले आज देश में कोरोना के 435 ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 662 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नए केस आने के बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7,026 हो गई है। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 666 की तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,98,118 हो गई है, जबकि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,41,60,279 हो गया है। वहीं देश में अब तक 5,30,813 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। देश में अब तक कोरोना की ताजा स्थिति। देश में मौजूदा समय में कुल एक्टिव केस 7,026 है, जबकि कुल संक्रमित 4,46,98,118 है। अब तक कुल डिस्चार्ज यानी जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं उनकी संख्या 4,41,60,279 है। वहीं भारत में अब तक कुल मौतों की बात की जाए तो 5,30,813 लोग कोरोना से अब तक मर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक डेली पॉजिटिव रेट इस समय 1.09% तो वीकली पॉजिटिव रेट 0.98% है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.79% पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 1.19% पर बरकरार है। वहीं सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.01% शामिल है। मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक करीब कोविड-19 रोधी टीकों की 220,65,00,000 खुराक दी जा चुकी है। 2019 में शुरू हुई यह महामारी अब एक बार फिर तेजी से फैल रही है। ऐसे में द भारत खबर आपसे अपील करता है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें और सतर्क रहें। आप देख रहे हैं द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।